what do spirits say? वेलकम बैक टू डैडी मादी गाइस, और सब कैसे हो? तो फादर्स डे आज, ऑब्वियसली सबको फादर्स डे की विशेज मेरी सेट से। तो मैं आज फादर्स डे स्पेशल, आज मैं स्ट्रॉबेरी केक बनाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया केक है, बहुत इजी है, आप जरूर घर पे ट्राई करना। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी क्रश, वनीला फ्लेवर, रेड कलर, शुगर एक कटोरी, एंड डेढ़ कटोरी मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड हाफ कप ऑयल। तो शुरू करते हैं इसको। मैं हाफ कप ऑयल डाल रहा हूँ। शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। मैं थर्ड फोर्थ डाल रहा हूँ, मैंने ले रखी है, अगर जरूरत पड़ेगी मेरे को तो मैं डाल लूँगा। थर्ड फोर्थ कटोरी चीनी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको लगभग हम एक मिनट तक घुमाएंगे। ये हमारा बीट हो गया। अब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी क्रश डालूंगा मैं, एक ढक्कन। थोड़ा सा और ले रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो दो ढक्कन डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगा मैं। दो ड्रॉप के अकॉर्डिंग अब इसके अंदर आधी कटोरी मैदा डालूंगा मैं। मैदा डालने के बाद इसमें मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालूंगा। इसको छान देंगे हम। अब इसको अच्छे से हम बीट करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, फिर अच्छे से बीट करेंगे। कलर आप देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा आ गया हुआ है। इसमें जो बाकी का मैदा बचा हुआ है, तो मैं बाकी का मैदा भी डाल रहा हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा दूध डालूंगा इसमें मैं। दूध के अंदर मैंने एक चम्मच दही भी डाली है। दूध में दही डालने की वजह से ये केक हमारा बहुत स्पॉन्जी बनेगा। इसको हम कंसिस्टेंसी थोड़ी हमें इसकी हार्ड ही रखेंगे। तो गाइस कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ कप दूध डाला है, थोड़ा सा ही बचा हमारा। और मैंने कलर के लिए इसमें एक ड्रॉप लिया है, एक ड्रॉप मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये
ये ऑप्शनल है, कलर आप रेड कलर डालना चाहते हो ठीक है, नहीं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंसी हमारी यही बेटर है और यही होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। मैं बेकिंग सोडा ऑलमोस्ट बस पिंच ही लिया है क्योंकि केक फट जाता है अदरवाइज। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना स्ट्रॉबेरी की, क्या बताऊँ मैं, पापा तो आज खुश हो जाएंगे मेरे। क्रश मिक्सर रेडी है केक के लिए, मैंने ग्रीसिंग भी कर ली है मैदे से और ऑयलिंग से, और इसको हम इसमें फिल कर देंगे। कितना मजेदार लग रहा है ना गाइस, ये हमारा इसमें हो गया। अब टैप भी कर लिया हमने, अब इसको हमने माइक्रोवेव भी हमने प्रीहीट कर लिया है, अब इसको 35 मिनट्स के लिए मैं माइक्रोवेव कन्वेक्शन पे रखूंगा 180 डिग्री पे। कन्वेक्शन पे 180 डिग्री पे रख देते हैं इसको और 35 मिनट्स का। मैं आपको पहले बता दूं इसका टाइम वेरी कर जाता है, अगर आपका केक नहीं बना तो उसके अलावा 140 डिग्री पे टाइम उसको बढ़ा के कर सकते हो, बाकी मैं आपको बताऊंगा उसमें चेक कैसे करना है। अभी बट हम स्टार्टिंग में इनिशियली 35 मिनट्स का लगाएंगे। 35 मिनट्स लग गया ये। तो गाइस देखो केक हमारा बन गया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर इसके अंदर स्टिक के अंदर हमारा अलग से आ रहा हो पानी तो ख़राब है, तो आप 5 मिनट अलग से उसमें रख दो, बढ़िया हमारा केक बिल्कुल रेडी है बेस। अब इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। मेरे ये स्ट्रॉबेरी केक का बेस रेडी था, इसको मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, आप तीन लेयर भी कर सकते हो, मैंने 2 लेयर की है। अब मैंने व्हिप क्रीम भी रेडी कर रखी है, व्हिप क्रीम के अंदर आप भले आप रेड कलर डालना तो रेड कलर डालो, अदरवाइज मैं क्रशर डाल रहा हूँ, आप जैम भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। हम लेंगे बस थोड़ी सी इसके अंदर, इसको व्हिप कर देंगे। अगर आप इसको डार्क पिंक करना है तो डार्क पिंक भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जूसिंग के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश का ले रखा है, इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश को हम इस पर अप्लाई करेंगे जूसी बनाने के लिए। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम व्हिप क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको चारों तरफ से अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे हम। तो हमने व्हिप क्रीम अप्लाई कर दी इसके अंदर। व्हिप क्रीम अप्लाई होने के बाद सेम मेथड जूसी करने के लिए हम मिक्सर लगाएंगे, उसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा देंगे। इसको इस तरीके से पूरे केक पे अप्लाई करेंगे हम। हम इसकी चारों साइड भी अच्छे से कवर करेंगे।
केक के ऊपर व्हिप क्रीम अच्छे से अप्लाई हो गई है, डिज़ाइनिंग हो गई है। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसमें जैम अप्लाई करेंगे। गाइस केक हमारा रेडी हो गया पूरा अच्छे से, और मैंने उसको अच्छे देखो अपने डिज़ाइन भी कर दिया और पापा भी लिख दिया उस पर। तो हैप्पी फादर्स डे पापा। थैंक यू। कैसा लगा आपको केक होगा? बहुत अच्छा आराम बना है। डैडी माँ दी सब्सक्राइब करें। देखो मेरे पापा कह रहे हैं डैडी माँ दी सब्सक्राइब कर दे, रिंग बेल है ना, बेल बटन दबा देना ताकि अगर नेक्स्ट वीडियोस जो भी डालूं उसको पता लग जाए। थैंक यू गाइस, हैप्पी फादर्स डे सबको। इस कमरे में साहिल कोल्ड ड्रिंक ऐसी दे दे, और वो थोड़ा सा दूध डालूंगा इसमें। मैं दूध के अंदर मैंने 1 चम्मच दही भी डाली है, दही डालने से दूध थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी बनता है दूध।